अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो समन जारी किया गया मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बयान दिता। मुख्यमंत्री भगवंत मान की कहते हैं, वो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की आवाज को दबाना बहुत मुश्किल है, सच बोलने वाले लोगों के दिल के थां बना, सच बोलने वाले हमेशा लोगों के दिलों के अंदर थां बना लेंगे, लोगों के दिलों तो कोई किसी को डिलीट नहीं कर सकता है, असी चट्टान दे वांग उन्होंने नाल खड़े, यानी कि अरविंद केजरीवाल। हालांकि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी कहा कि सीबीआई ने जो अरविंद केजरीवाल को तलब किया सियासत तो प्रेरित होकर किया है। 16 अप्रैल में पेश होने के लिए हम समन जारी हो चुके एक्साइज मामले को लेकर, एक्साइज घोटाले को लेकर केजरीवाल तो पुछ पड़ताल की जा रही। अनमोल गुलाटी सारे नाल जुड़ चुके हैं। अनमोल की जानकारी है, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ना सिर्फ मुख्यमंत्री भगवंत मान, पूरा आम आदमी पार्टी का जो खेमा है, सीबीआई दे वल्लों जो शिकंजा कसण की तैयारी की जा रही है, इसका विरोध कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखो जेकर गल की जाए तो आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को सीबीआई वालों जो कि कल का समन दिता गया, 16 तारीख को उन्होंने पेश होने को कहा गया, तो इस चीज को लेकर पूरी सॉलिडारिटी जी पार्टी के दिखाई जा रही है। कल जो फाइनेंस मिनिस्टर ने पंजाब के हरपाल सिंह चीमा उन्होंने वालों साफ तौर पर कहा गया कि कोई सबूत अजे तक मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी नहीं लग पाई है सरकार, तो जिसके करके कोई पुष्टि की जा सके यहोजा घोटाला जोड़ा क्यों किया गया सके। तो हूँ अगला जो वार है वो किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल से। अरविंद ने भी एक सवाल है कि अरविंद केजरीवाल के लिए कड़े कड़े सवाल जो है तैयार करे हुए ने सीबीआई ने। जी बिल्कुल, देखो एक साइज पॉलिसी के जो दिल्ली की बनाई गई थी उस क्या गया था किसी एक शख्स को एलवन का सारा जोड़ा फायदा थे किसी एक शख्स को सौंपने की गल की गई थी, तो वो मोनोपोली क्यों बनवाई जा रही थी, उसके पिछे की कुछ जो कि पर्सनल कारण थे, जो कि पैसे की इनवॉल्वमेंट कितनी थी, इन तमाम सवालों जी कि सीबीआई पूछते हुए नजर आई थी। लेकिन देखो आम आदमी पार्टी वालों साफ तौर पर कह पाया कि असी जी कि किसी भी तरीके कोई साड़ी शमूलियत नहीं है, तो अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी दिल्ली इस वक्त मौजूद ने, उन्होंने वालों भी सॉलीडारिटी जी की है वो दिखाई जा रही है पूरी आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने। की लगता है कि आम आदमी पार्टी दी मुश्किलां जो है वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसी का समन जो जारी होया है केजरीवाल तक जो समन पहुंचे है वो अजे समय के पहुंचे है जो उन्होंने निजी सकत्तर यानी कि उन्होंने पीए विभव कुमार तो ईडी के अधिकारियों ने पूछ पड़ताल की थी। जी बिल्कुल, देखो औखा जरूर हो सकता आने वाले दिनों के, क्योंकि जेकर गल की जाए तो कल जिस तरीके समन किया गया अरविंद केजरीवाल ने, तो इस चीज को लेकर बार बार जो तमाम पार्टियां उन्होंने वालों कहा जा रहा है कि केंद्र वालों एजेंसियों की दुरवरतों की जाती है, तो लेकिन जो पॉइंट दुरवरतों वाला कहा जा रहा है जेकर इस पॉइंट से तवज्जो दी जाती है तो फिर जो कि जरूर कहा जाऊगा कि यह सिर्फ एक पॉलिटिक्स की जा रही है। आने वाले दिनों में हमें नजर आऊगा कि जो कि किस मकसद दराल भी देखो जो इन्वेस्टिगेशन बुलाने हैं तो जो कुछ फैक्ट सामने आएंगे। जो शराब व्यापारी है समीर उसनों भी मुख्य मुलजम वजो जो है इस दे विच नामजद किया गया केस दे विच, की लगता है कि क्रॉस क्वेश्चनिंग भी की जा सकती है। जी बिल्कुल, बयान जरा कि मिलवाया जा सकता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग की जा सकती है ताकि जेकर कोई झूठ बोल रहा है तो वो फड़े जाए। जी जी, मैं आनी हाँ थोड़े को अनमोल, राघव चड्ढा के वालों जो ट्वीट किया गया वो दस दिए दर्शकों, राघव चड्ढा ने भी ट्वीट किया। राघव चड्ढा लिखते हैं अपने ट्वीट के टीवी स्क्रीन पर, तुम देख भी सकते हो कि राघव चड्ढा ने की लिखा, लिखते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने बीजेपी की नींद उड़ा के रख दी है, दिन रात उन्होंने सुपने के बस केजरीवाल ही आते हैं तो उन्होंने डराते हैं। सीबीआई के समन बीजेपी का केजरीवाल फोबिया दर्शाता है, नहीं डरते असी तो आड़ी सीबीआई जा ईडी तो, राघव चड्ढा ने किया। अनमोल जेदे च सवाल खड़ा हो जाता है कि क्योंकि आम आदमी पार्टी के वालों दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार जो है केंद्र के बैठी बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी तो डर गई है, इसलिए इस तरह कार्रवाइयां की जा रही है। जी बिल्कुल, देखो जो कुछ भी अगर जिस तरीके पहला एक्साइज पॉलिसी का घोटाला सामने आया उस तो बाद मनीष सिसोदिया अरेस्ट किया गया, तो हूँ जिस तरीके अरविंद केजरीवाल को भी जोड़ा किया समन किया जा रहा पुछगिछ लई। देखो जेकर पार्टी की गल की जाए तो साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी तो कितना ना कि बीजेपी इनसिक्योर होती नजर आ रही है, उस इनसिक्योरिटी के तहत ही जोड़ा की है ये एक्शन लिया जा रहा है।
दूसरे पास जो सेंटर की एजेंसी है ये कह जा रहे हैं कि सेंटर की एजेंसी सेंटर उन्होंने दुरवरतों कर रहे हैं, जिस तरीके कह जाए कि सीबीआई वालों जो समनिंग की भी गई है तो उन तमाम चीजों को देखते हुए गगन देखो अज हालांकि कल जाके समन किया गया लेकिन उस तमाम जो आम आदमी पार्टी के लीडर है वो बिल्कुल सॉलीडैरिटी के खड़े हुए हैं अरविंद केजरीवाल के साथ, क्योंकि कल बेशक कुछ किसी बुलाया लेकिन साफ तौर पर जोड़ा की है तमाम पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी इस वक्त दिल्ली मौजूद ने, मुख्य तौर पर यही कारण है कि यहोजे समय के नहीं कला छड़ना चाहते अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल, फिलहाल तक की जानकारी के लिए दस दिए कि फिलहाल जांच एजेंसी के वालों विधानसभा किया जा गया है कि जो दैनिक से अधिकारी श्री अरविंद ने अपने बयान किया कि उन्होंने एक्साइज पॉलिसी से जीओएम रिपोर्ट जो है मार्च 2021 के दरमियान जो है उस मध्य दी गई है, जो मीटिंग हुई सी अरविंद केजरीवाल के घर सदिया गया सी बॉस ने यानी कि सिसोदिया का वाल इशारा किया है तो सी अरविंद सिसोदिया के उस वेले सकत्र सन। और यह भी दस दिए कि समीर महेंद्रू की केजरीवाल के नाल की गलबात हुई है, सीबीआई के वालों सवाल किया जा सकता है कि सबूत मिटाने की कोई कोशिश की गई है, सवाल होर भी कई अहम हो सकते हैं।